हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। वहीं 2007 के समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले पर फैसला टल गया है और अब 14 मार्च को इस मामले पर बड़ा फैसला आ सकता है। वहीं सुनवाई टाले जाने के पीछे एक बड़ा कारण भी सामने आया है। क्या कुछ है पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। देश में आम चुनावों के ऐलान के साथ ही बने राजनीतिक माहौल के बीच सोमवार को हरियाणा के पंचकुला की स्पेशल एनआईए कोर्ट समझौता ब्लास्ट केस मामले पर उसने फैसला सुनाया, लेकिन इसे 14 मार्च तक के लिए टाल दिया गया। पाकिस्तान की एक लड़की, हाँ जी, जो अब पाकिस्तान में जिसका नाम है राहिला वकील, हाँ जी, वो राहिला वकील का परिवार घरोंडा करनाल के रहने वाले थे। उसके फादर 2007 में यहाँ समझौता ब्लास्ट में एक्सपायर हो गए थे, बम हादसे का शिकार हो गए थे। जब उनको ये पता चला कि यहाँ पर डिफेंस क्लोज हो गया है और गवाही का मौका खत्म हो गया है, तो वो लोगों ने मेरे से बात की, कहा कि हम गवाही देना चाहते हैं। सुनवाई के लिए सोमवार को मामले के आरोपी असीमानंद, कमल चौहान, लोकेश शर्मा और राजेंद्र चौधरी पंचकुला कोर्ट में पेश हुए थे। पानीपत के बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में आज एक नया मोड़ आया। ये नया मोड़ तब आया जब एक वकील मोमिन खान द्वारा एनआईए कोर्ट में एक एन मौके पर एप्लीकेशन फाइल की जाती है। ये एप्लीकेशन उस वक्त फाइल की जाती है जब इस मामले में बड़ा फैसला आज सुनाया जाना था। पूरी कार्रवाई इस मामले की हो चुकी थी, फैसला सुनाया जाना था, लेकिन एन मौके पर एक एप्लीकेशन आती है जिसमें पाकिस्तान की एक महिला वकील राहिला द्वारा दावा किया जाता है कि उसके पास कुछ पाकिस्तानी गवाह हैं जिनके परिजन इस ब्लास्ट मामले में घायल हुए थे या मारे गए थे, और वो परिजन उस वक्त वहां मौजूद थे। अब वो लोग गवाही देना चाहते हैं, जिसके चलते मोमिन खान द्वारा सीआरपीसी की धारा 311 के तहत एक एप्लीकेशन लगाई है, यानी रिकॉलिंग ऑफ विटनेस, यानी गवाहों की दोबारा गवाही को लेकर ये याचिका लगाई गई है, जिस पर अब 14 मार्च को सुनवाई होगी। 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट हुआ था। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलती थी। हादसा पानीपत के दीवाना के स्टेशन के पास हुआ था। रात 11:53 पर यह ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट से दो बोगियों में आग लगी थी। ब्लास्ट में करीब 68 लोगों की मौत और 12 लोग घायल हुए थे। ट्रेन दिल्ली से लाहौर की तरफ जा रही थी। इस विस्फोट में मारे गए ज्यादातर लोग पाकिस्तानी थे। 19 फरवरी को हरियाणा पुलिस ने मामला दर्ज किया था। 29 जुलाई 2010 को मामला एनआईए को सौंपा गया। खैर, समय की सुई आगे बढ़ी है और अब इंतजार 14 मार्च का है, जब इस मामले पर कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।